हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप टिक्की ऐप को यूज कैसे कर सकते हैं और आप टिक्की ऐप में वीडियो कैसे बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको टिक्की ऐप के बारे में A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपको टिक्की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद टिक्की ऐप को ओपन करना है। टिक्की ऐप को ओपन करते ही गाइस आपके सामने वीडियो आने चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस आप ऊपर साइड में स्क्रॉल करके और ही वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है मी वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को डालकर इस ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को डाल लेना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर को डाल दिया। अब आपको लॉग इन ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। तो आप उस OTP को डालकर इस ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा OTP डल चुका है और हमने टिक्की ऐप में लॉग इन कर लिया है। तो गाइस आपका यूजर नेम भी ऊपर आपके आ जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है एडिट प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चेंज। यहाँ पर गाइस आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको फर्स्ट में ही एक ऑप्शन मिल जाता है चूज फ्रॉम एल्बम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस आप टिक्की ऐप में जिस भी प्रोफाइल को सेट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस आपको नीचे यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नेम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको कुछ भी नेम यहाँ पर आप अपने डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बायो का ऑप्शन मिल जाता है, बर्थडे, जेंडर, इन तो यहाँ पर गाइस आप सिलेक्ट करके यहाँ पर जानकारी भर सकते हैं। गाइस आपको एक होम वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस ऐप में वीडियो को कैसे बना सकते हैं। तो गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको ऊपर दो ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं वीडियो, फोटो। तो गाइस यहाँ पर आप जो भी गैलरी की वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको फ़ोटो वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर फ़ोटोओं को सिलेक्ट करके इस तरह से आप फ़ोटोओं को सिलेक्ट करके वीडियो भी बना सकते हैं। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो की वीडियो यहां पर बन चुकी है। आपको नीचे एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको एक ऑप्शन मिला है म्यूजिक वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे। जो भी म्यूजिक आप लगाना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपका म्यूजिक ऑटोमेटिक वीडियो में लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा म्यूजिक वीडियो में लग चुका है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अलग अलग इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप इन पर क्लिक करके इस तरह से इफेक्ट को लगा सकते हैं। जो भी इफेक्ट आप वीडियो में लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इफेक्ट को वीडियो में लगा दिया है। इस तरह से गाइस आपको ब्यूटीफुल का ऑप्शन मिल जाता है, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। गाइस अगर आप वीडियो को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है कवर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप जो भी कवर यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस हम इसमें बैक आ जाएंगे। गाइस आप जिस भी साउंड पर वीडियो बनाना चाहते हैं आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप अप्लाई म्यूजिक पर क्लिक करते ही गाइस आप इस सॉन्ग पर वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आप किसी भी साउंड पर वीडियो बना सकते हैं। गाइस आप किसी भी साउंड को फेवरेट करके उस पर वीडियो बना सकते हैं। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ऐड टू फेवरेट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से गाइस आप किसी भी साउंड को फेवरेट कर सकते हैं और उस पर वीडियो बना सकते हैं। गाइस आपको मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ऊपर थ्रिलर वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर गाइस आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है वीडियो क्वालिटी, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही गाइस अगर आप फुल एचडी में वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको एचडी यहां पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, तो आपकी सभी वीडियो एचडी में आ जाएंगे। और गाइस अगर आप किसी भी वीडियो को लाइक करेंगे तो यहां पर आपको लाइक वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं मैंने अभी तक इतनी वीडियो को लाइक कर दिया है, तो आप जो भी वीडियो लाइक करेंगे यहाँ पर आपके आ जाएंगी। और यहाँ पर गाइस आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है, क्लिक होने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर गाइस यहाँ पर आप अपने प्राइवेट अकाउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है लॉग आउट, इस पर आप क्लिक करके अपनी आईडी को लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो गाइस आप इसी तरह से टिक्की ऐप को यूज कर सकते हैं और टिक्की ऐप में वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।